24 घंटे की बात करें तो पूरे एमपी से रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिला है, आंकड़े भी आ रहे हैं अभी, जिसमें इंदौर में 67 मिलीमीटर, भोपाल में 7 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर, बाकी आंकड़े अभी आ ही रहे हैं जो थोड़ी देर बाद जो है आपको दिया जा सकता है। अभी जो है एक गुजरात के ऊपर अपरिया साइजर है तथा जो WDA 70 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एज ए ट्रफ बना हुआ है, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी तो वैसे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बन के जो जैसा रेनफॉल होना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन एक राहत की खबर यह है कि जो बे ऑफ बंगाल में 5.8 किलोमीटर पे अभी एक अपरिया साइजर बन गया है, आने वाले दिनों में जैसे ही वो वेस्टर्ली मूव करेगा तो हमारे जो साउथ पार्ट है, जो सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, यहां पर खंडवा, खरगोन, इन एरियों पे कुछ एक जगह पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है, बाकी जगह रेनफॉल एज ए आइसोलेटेड टू स्केटर्ड फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया ये साउथ वाले जो पार्ट है जहां मंडला, बालाघाट, सिवनी, आपका बैतूल हुआ, खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, इन एरियों पर अलर्ट जारी किया गया है।